हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माय टॉपिक रिकमेंडेड वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो आज का जो ये चार्ट है, अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पर उसका कितना वेट होना चाहिए, अगर वन बेबी है तो कितना वेट होना चाहिए, अगर ट्विंस बेबी है तो कितना वेट होना चाहिए, तो पूरी डिटेल मैं आप लोग सर डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक, ठीक है। जितनी भी प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए चार्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, कितना वेट आप लोगों का होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, उसी के ऊपर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम बेसिक जानते हैं, राइट। जैसे कि जो वुमन होती है 9th मंथ के दौरान, ठीक है, हर वुमन का वेट बढ़ता है, लेकिन कितना वज़न बढ़ना ज़रूरी है और कितना वज़न बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये बेबी और मदर दोनों की सेहत के लिए, यानी कि दोनों की हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है और कितना वेट गेन नॉर्मल है, ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो अगर वुमन प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट में उनको मतलब कितना वेट गेन कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाली जो माँ होती है, ठीक है, जो मदर होती है, जितना भी वज़न बढ़ता है उसमें सिर्फ कुछ हिस्सा ही फैट होता है, ठीक है। अगर वुमन पहले से ही हेल्दी है तो जो उसका फैट है वो फैट की वजह से उसका वेट और बढ़ जाता है। बाकी के वेट में बच्चे का वज़न होता है, प्लेसेंटे का वज़न होता है, ठीक है, एमियोनेटिक फ्लूड का वेट होता है और बच्चे के आसपास जितना भी प्रेजेंट वाटर होता है उसका वज़न होता है, और एक्स्ट्रा ब्लड का वज़न और बॉडी में होने वाले नेचुरल वाटर रिस्टेंशन का वज़न होता है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके लिए हेल्दी और बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपके बच्चे तक जरूरी जितने भी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, वो उनको सही तरीके से मिल सके। लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट वूमन को कितने अधिक कैलरीज की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगी आप लोगों के साथ, यानी कि हर दिन में कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या था, अगर आप प्रेग्नेंट होने से पहले जितनी कैलोरीज का सेवन कर रही थी, ठीक है, या आपने कर लिया, तो उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी के दौरान आपको उसमें सिर्फ 300 हेल्दी कैलोरीज ऐड करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, अगर आप पहले से, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है और प्रेग्नेंट होने से पहले आपने अगर 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज ली है, तो इसमें क्या होगा, आपका फैट बढ़ेगा, ठीक है, और आप ज़्यादा हेल्दी होते चले जाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, आपको क्या होगा, प्रेग्नेंट होने से पहले जितनी कैलोरीज का आप सेवन कर रही थी और प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको उसमें सिर्फ 300 हेल्दी कैलोरीज ऐड करने की ज़रूरत होती है, और ऐसा करने से आपको ज़रूरी वेट गेन करने में हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका जितना वज़न बढ़ेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका कितना वज़न था, ठीक है। तो इसमें और अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक बताना चाहूँगी कि अगर कोई वुमन अंडरवेट है, ठीक है, यानी उसका BMI 18.5 से कम है, तो प्रेगनेंसी के टाइम उनका 14 से 18 किलो तक वज़न बढ़ना चाहिए, राइट। अगर उसका वज़न नॉर्मल है, यानी उसका BMI 18.5 से 24.9 के बीच है, तो आपको 11 से 16 kg तक वेट गेन करना चाहिए। अगर किसी वुमन का वज़न पहले से अधिक है तो उसका BMI 25 से 30 के बीच है, तो उनके लिए 7 से 11 किलो वेट गेन सही रहता है, ठीक है। अगर आप पहले से ही मतलब काफ़ी हेल्दी हैं, यानी मोटे हैं, उसकी प्रॉब्लम है, तो आपका BMI 30 से ऊपर है, तो उनके लिए आपको 5 से 9 किलो वेट करना बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। प्रेगनेंसी के अलग अलग स्टेजेस के अगर बात करें तो इसमें 1 से 3 मंथ की प्रेगनेंसी के टाइम पर 2 से 3 किलो वेट वज़न यानी कि बढ़ना चाहिए, और उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सप्ताह में 500 ग्राम के हिसाब से आपका वज़न नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ये तो है बेसिक। अब मैं आप लोगों के साथ चार्ट शेयर करती हूँ, चार्ट देख पा रहे हैं इसमें क्या है, प्री प्रेगनेंसी वेट कैटेगरीज है, ठीक है, कितने कैटेगरीज में आप ये वेट गेन करते हैं, और इसके बाद सेकेंड कॉलम आता है प्री प्रेगनेंसी BMI, एंड नेक्स्ट है प्रेगनेंट विद वन बेबी, प्रेगनेंट विद ट्विंस बेबी। अब हम बात करेंगे फर्स्ट कॉलम में कौन कौन सा है, अंडरवेट, ठीक है, अंडरवेट में कितना आता है प्री प्रेगनेंसी BMI में, अंडर 18.5 kg के आसपास, ठीक है, और प्रेगनेंट विद वन बेबी है, अगर आप वन बेबी है तो उसमें कितना होगा, 12 से 18 kg के आसपास आपका वेट रहेगा। अगर ट्विंस है तो कितना होगा, 22 से 28 kg का होगा। हेल्दी वेट की बात करें तो इसमें प्री प्रेगनेंसी के अंदर कितना होगा, 18.5 टू
24.9 होगा, ठीक है। अगर वन बेबी है तो कितना होगा, 11 to 16 के जी के आसपास रहेगा। और प्रेग्नेंट विद ट्विंस बेबी है तो कितना होगा, 60 to 25 के जी के आसपास। अब हम बात करते हैं ओवरवेट, ठीक है। मैं ये जो फोर पॉइंट के ऊपर आप लोगों से मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ, ठीक है। अंडरवेट में कितना होना चाहिए, हेल्दी वेट में कितना होना चाहिए, ओवरवेट में कितना होना चाहिए, प्री प्रेगनेंसी के अंदर 25 to 29.9 होना चाहिए। और वन बेबी है तो कितना होगा, 6 to 11 के जी होगा। ट्विंस है तो कितना होगा, 14 to 22 के जी के आसपास रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्सेस गैप, इसमें कितना होगा, इसमें प्री प्रेगनेंसी के अंदर रहेगा आपका 32, हायर भी जा सकता है, ठीक है। इसके बाद वन बेबी है तो 4 to 9 के जी। अगर ट्विंस बेबी है तो कितना होगा, 11 to 19 के जी के आसपास। अब मैं आप लोग एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर कोई भी वूमन पहले से ही मतलब हेल्दी हैं, हेल्दी मीन्स ज़्यादा मतलब हेल्दी मोटे में है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप मतलब कि प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वेट को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि नॉर्मल पर लेके आना चाहिए। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होंगे, ठीक है, अगर आप अपना वेट कंट्रोल नहीं करते हैं तो उससे भी अप होता चला जाएगा। तो आपको क्या इसमें शुगर की प्रॉब्लम, ठीक है, बीपी की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन मतलब होना शुरू हो जाते हैं। जब भी मतलब आप प्रेग्नेंट होते हो, डिलीवरी करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, अगर कोई हेल्दी वूमन है तो प्लीज़ अपना वेट जरूर कंट्रोल करें और डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। उसके बाद आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपको मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 9th मंथ तक। अगर आप वेट नहीं कंट्रोल करते हैं तो आपको मतलब 9th मंथ तक कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, कोई ना कोई मतलब कभी आपका बीपी हाई अप हो जाएगा, या फिर क्या होगा, इसके अंदर आपको एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है, मतलब आपको कई सारी छोटी प्रॉब्लमें शुरू हो जाती हैं। और तो आज हम लोगों ने जाना है कि अगर वेट गेन जो होता है वो कितना होना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो पूरी डिटेल मैंने आप लोगों से शेयर किया इस चार्ट के अंदर बताया है, और विद आपको पूरा बेसिक और डिटेल भी बताया, छोटी से छोटी चीज़ें। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।